अनीश अपना घर बदल रहा था। उसको नौकरी में तरक्की मिली थी, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने आया था। इस नए घर में उसका पहला दिन था। वो अपना सामान रख कर नया घर देख रहा था, तभी उसे तहखाने में एक संदूक जैसा कुछ दिखाई दिया। ये क्या चीज है? दिखने में तो संदूक जैसा लगता है, पर इस घर में संदूक का होना कुछ समझ नहीं आया। देखे तो क्या है? अनीश उस संदूक को बाहर ले आया और उसे देखने लगा। इस पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब ये किसी की अमानत है। इसे वापस रखना ही ठीक होगा। जिसका भी ये सामान होगा वो आकर ले जाएगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को वापस रखने के इरादे से हाथ लगाया, उसके अंदर से पीली रोशनी चमकने लगी। अनीश डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। संदूक से निकलने वाली उस पीली रोशनी ने उसे अपने वश में कर लिया। मुझे इसे खोलकर देखना ही है कि इसमें क्या है। अनीश ने बाहर से एक पत्थर लाकर उस संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से रोशनी का निकलना बंद हो गया और अनीश वश से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये टूट ही गया है, तो इसके अंदर एक बार क्या है वो भी देख लेता हूँ। अनीश ने उस संदूक को खोला। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा तो वो अवाक रह गया। अंदर पूरा संदूक भर के सोना पड़ा था। बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सबसे ऊपर एक सफेद रंग की चिट्ठी भी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और वो उसे पढ़ने लगा। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। अनीश चिट्ठी की ये बात पढ़कर बहुत ज्यादा डर गया, पर अगले ही पल उसके मन में सोने के प्रति लालसा जगी। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस चिट्ठी की बात मानेगा, पर ये सोना मिला है तो इसे जाया नहीं कर सकता। मेरे तो भाग खुल गए, अब मैं भी अमीर बनूंगा। अनीश ने उन सिक्कों से अपना नसीब बदलना शुरू किया। उसने नौकरी छोड़ दी और एक बड़ा सा घर खरीद कर उसी में रहने लगा। दुनिया के सारे ऐशो आराम अनीश के पास थे। जब अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए तो वो फिर संदूक से सोना निकालने के लिए गया। पर जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक आखिरी सिक्का बचा था और उस सिक्के के नीचे एक काले रंग की चिट्ठी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगा। जो कोई इस आखिरी सिक्के का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस बार अनीश ज्यादा डर गया, क्योंकि इस बार उसे वो सिक्का इस्तेमाल नहीं करना था। ये सब क्या है? इस चिट्ठी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जान का खतरा है। पहली चिट्ठी के मुताबिक मैंने अब तक ये सोना खुद के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब अगर मैंने ये सिक्का लिया तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। अनीश ने वो आखिरी सोने का सिक्का नहीं निकाला। उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अचानक एक दिन उसका दोस्त मुनि उससे मिलने आया। वो भी इसी शहर में रहता था। मुनि अनीश का घर देखकर चौंक गया। उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरे भाई अनीश, कोई लॉटरी लगी थी क्या? नौकरी से तो इतनी अमीरी नहीं आ सकती, या फिर कोई और राज है? अरे नहीं, कोई राज नहीं है। वो असल में
मैंने मेरे नाम पर जो गांव में जमीन थी ना, वो बेच दी, इसलिए ये सब कर पाया हूँ। अच्छा है। मुनि को अनीश की ये जमीन वाली बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई जमीन बेचकर भी इतना सब नहीं खरीद सकता था। मुनि 2-3 दिन अनीश के घर पर ही रुका। उस दौरान उसने अनीश से बहुत बार इस राज के बारे में पूछने की कोशिश की, पर अनीश ने सच नहीं बताया। 3 दिन बाद मुनि अपने घर चला गया। महीनों बीत गए, अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए, वो घर की चीजें बेचकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने ना रहकर मुनि को फोन किया। मुनि सुनना, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो अनीश, तुम्हें कैसे मेरी जरूरत पड़ी? हाँ, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। एक और मजाक, अब चुप कर। वैसे भी मेरे पास तुझे मदद करने के लिए कुछ नहीं है, मेरी नौकरी में मेरा घर मुश्किल से चलता है। अरे मेरी बात तो सुन। मुनि ने फोन रख दिया। अनीश बहुत नाराज हो गया। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था और घर में ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे वो बेच सकता था। आखिर में उसने वो सिक्का लेने का सोच ही लिया। मुझे वो सिक्का इस्तेमाल करना ही होगा। भूख से मरने से अच्छा है कि मैं उस सिक्के को इस्तेमाल करके पेट भर खाना खाकर मरूं। अनीश ने वो संदूक निकाला और उस सिक्के को लेकर चला गया। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये चिट्ठी सिर्फ डराने के लिए किसी ने रखी थी। वो डरते हुए संदूक के पास जाने लगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को खोला तो इस बार उससे एक सफेद रोशनी निकलने लगी। वो डर गया। जैसे ही वो रोशनी अनीश के शरीर पर पड़ी, अनीश का शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ। उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। देखते ही देखते उसका शरीर फटकर ढेर सारे सोने के सिक्कों में तब्दील हो गया और वो सारे सिक्के उस संदूक में जाने लगे। जैसे ही आखिरी सिक्का उस संदूक में गया, संदूक का ढक्कन बंद हुआ और चारों तरफ पहले की तरह शांति फैल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद अनीश का दोस्त मुनि उससे मिलने वापस उसके घर आया, पर घर में आकर उसने देखा तो अंदर ना तो कुछ सामान था और ना ही अनीश था। उसने पूरे घर में अनीश को ढूंढा, पर उसे अनीश कहीं नहीं मिला। घर में घूमते घूमते उसकी नजर अचानक उस संदूक पर पड़ी। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज, जमीन बेचकर नहीं, जमीन से मिला सोना बेचकर अमीर हुआ है ये। मुनि का इतना कहते ही संदूक में से रोशनी निकलने लगी। मुनि डर गया, पर उसने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। अरे इतना सारा सोना, अब ये मेरा है। उसी समय मुनि की नजर संदूक में पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। इस तरह उस अज्ञात संदूक का खेल फिर से शुरू हुआ। एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर, अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठे थे। अमरनाथ और दीप
तुम दोनों इस इलाके के बेस्ट शिकारी हो। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस जंगल में भेड़िये बहुत बढ़ गए हैं और वो कोई आम भेड़िये नहीं लगते, थोड़े अजीब है। आप फिकर मत करो सर जी, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे भेड़िये खत्म हो जाएंगे। पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम सरकारी आदमी है और इसीलिए हमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, पर इसके पैसे? काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अचानक दीप का ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गया। वहां उसने देखा कि किसी जानवर ने ऑफिसर को पंजा मारा था। ये पंजा किसने मारा आपको? किस जंगली जानवर के साथ सामना हुआ था आपका? अरे नहीं नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस करते वक्त लोहे के तार से टकराया था, तभी ये चोट आ गई थी मुझे। दीप को ऑफिसर के जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो निशान उसे किसी जंगली जानवर का ही लग रहा था। बात खत्म होते ही अमरनाथ और दीप वहां से चले गए। उसी रात अमरनाथ और दीप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। वो दोनों ही गाड़ी से घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ गाड़ी चला रहा था और दीप उसके बगल में बैठा हुआ था। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या हम शिकार करने सुबह नहीं जा सकते थे? नहीं, सुबह शिकार करने में मजा नहीं आता। इसमें मजे की क्या बात है? रात को कितना खतरा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जंगल और यहाँ के जानवर हमारे लिए नए हैं। कोई खतरा नहीं होता, रात में सब जंगली जानवर सो जाते हैं और तभी उनका शिकार करना आसान होता है। सुबह के वक्त वही जानवर अलर्ट होते हैं और तभी उनसे हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर जाग रहा होगा तो क्या? उसे भी हमेशा के लिए सुला देंगे। तू तो बिना बात के डरता रहता है, चुप, कुछ नहीं होगा। दीप बहुत ही डरा हुआ था। अमरनाथ ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। जंगल बहुत घना था, इसलिए चांद की रोशनी भी उन तक ज्यादा नहीं आ रही थी। अमरनाथ ने गाड़ी से दो बंदूकें निकाली और एक दीप के हाथों में थमा दी और कहा, ये ले बंदूक, फुल्ली लोडेड है। अगर कोई भेड़िया तुझे दिखे तो सीधा शूट कर देना, सुबह तक काम खत्म करना है। और हाँ, अब तू डरना बंद कर, मैं हूं तेरे साथ, चल अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़ने लगे। उतने में उन्हें एक भेड़िये के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीप वो आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, पर अमरनाथ वो आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। लगता है हम पहुंच गए, चल भेड़ियों का शिकार करते हैं। अमरनाथ भागता हुआ आगे बढ़ने लगा, दीप भी उसके पीछे भागने लगा, पर अमरनाथ तेजी से भागकर आगे निकल गया। अमरनाथ, अरे मेरे लिए रुको जरा, अमरनाथ। दीप अचानक से रुक गया, उसे अमरनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने वहीं रुककर आवाज लगाना शुरू किया, अमरनाथ, अमरनाथ, कहाँ है तू, अमरनाथ। बहुत दूर से अमरनाथ की आवाज आई, अरे मैं यहां हूं, जल्दी से आगे आ जा। दीप डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। उस भेड़िये को देखकर दीप से डर के मारे बंदूक भी नहीं उठाई गई, क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था।
वो भेड़िया आम भेड़ियों की तुलना में काफी बड़ा था और सबसे भयानक बात ये थी कि उसे दो सिर थे। वो बेहद खूंखार लग रहा था। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे इसके तो दो सिर है, ऐसा भेड़िया मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जंगल में ही रहते हैं। भेड़िये के मुंह से आवाज सुनकर दीप और भी ज्यादा डर गया। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और हम सिर्फ इंसान खाते हैं। भेड़िये की ये बात सुनकर दीप वहां से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे भागा। यहां अमरनाथ बंदूक हाथ में लिए ध्यान से चल रहा था कि तभी अचानक उसे दीप के चिल्लाने की आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ा। दीप, क्या हुआ तुझे? कहां पर है तू? वो दीप की आवाज के दिशा में भागने लगा। अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा डर गया पर फिर भी भागता रहा। रास्ते में उसे दीप की पड़ी हुई बंदूक नजर आई। पता नहीं कहां चला गया ये दीप। दीप, अमरनाथ ने फिर भागना शुरू किया पर भागते भागते उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो डर के मारे सुन्न हो गया। नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बगल में खून में लिपटे हुए दीप के कपड़े। तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि चार लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन आंखों की तरफ तान के खड़ा रहा। अच्छा तो तुम दो भेड़िए हो, आ जाओ। वो चार लाल आंखें जैसे ही झाड़ियों से बाहर आई, अमरनाथ डर से कांपने लगा। उस दो सिर वाले बड़े भेड़िये को देखकर अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। उस भेड़िये के दोनों मुंह से खून टपक रहा था। वो अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत करके उस पर एक गोली चलाई पर वो गोली एक मामूली पत्थर की तरह उस भेड़िये के पेट से टकराई और नीचे गिर गई। उसने दूसरी गोली मारी पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे इन खिलौनों से हमें कुछ नहीं होगा। भेड़िये की वो भयानक आवाज सुनकर अमरनाथ बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वो उस भेड़िये से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैं आगे से इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस जंगल में कोई शिकार करने नहीं आ सकता, पर तुम यहाँ तक आ गए। मुझे बताओ, हमें मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उस ऑफिसर को कल ही मार देना चाहिए था, पर वो बच के निकल गया। मुझे लगा हमारे डर से वो जंगल की तरफ फिर से नहीं आएगा, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब उस ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता था, फिर भी उसने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा? कल मैंने उसके हाथ पर एक वार किया था पर वो भाग गया। आज उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ा और उसने जोर से उसकी छाती पर पंजे से दो वार किए। अमरनाथ के कान और मुंह से खून बहने लगा। भेड़िये ने आगे बढ़कर उसके पेट को अपने दांतों से फाड़ दिया और अमरनाथ की वहीं मौत हो गई। उस भेड़िये के मुंह से बहुत सारा खून टपक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और
बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगी। तुम सब इसे खाओ, तब तक मैं उस ऑफिसर को देखता हूँ। आज के बाद कोई भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकला और बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले भेड़िये झाड़ियों से आकर अमरनाथ की लाश को खाने लगे। ऑफिसर अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो जाग गया। दरवाजा खुलते ही उसे दीवार पर उस भेड़िये की परछाई दिखने लगी और वो काफी डर गया। भेड़िया गुस्से में ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ऑफिसर ने तुरंत टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और भेड़िये पर गोली चलाने लगा। भूल गए कि ऑफिसर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़िये ने एकदम से ऑफिसर पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफिसर को मारने के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाया। उस हादसे के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी इंसान जाने से डरने लगा, पर भूख लगने पर वो भेड़िये इंसानों की बस्ती में आकर लोगों को खाने जाते थे। गांव वालों, मैं डाकू मंगल सिंह बोल रहा हूं। तुम लोगों के पास जो कुछ भी धन दौलत है वो निकाल कर हमें दे दो, और अगर किसी ने भी चालाकी की या रास्ते में आने की कोशिश की तो वो जान से जाएगा। सरदार, लगता है गांव वाले ऐसे नहीं निकलेंगे, हमें घुसना होगा। लूट लो पूरे गांव को, किसी को भी मत छोड़ना। फुट, हमारे सरदार गला फाड़ रहे हैं और तू घोड़े बेचकर सो रहा है, चलो जा। गलती हो गई माई बाप, गलती हो गई। चल बता माल कहाँ है, बोल। माई बाप, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ बहुत सारी दौलत मिल सकती है आप लोगों को। कौन सी जगह? माई बाप, यहाँ से 50 मील दूर भानगढ़ का किला है, वहाँ आप लोगों को इतना धन मिलेगा कि आप लोगों की 1000 पुश्ते बैठ कर खाएंगी। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं भी कुछ साल तक वहाँ पहरा देने का काम करता था। ठीक है, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तेरी बात गलत निकली तो हम वापसी में तुझे ऐसी मौत देंगे कि तेरी आत्मा तक कांप जाएगी। चलो साथियों, हमें भानगढ़ के किले में जाना है। गरीबों पर अत्याचार करने की यही सजा है कि तुम लोग भानगढ़ जाकर मरो। भानगढ़ का रक्षक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सरदार, यहाँ तो किला दिखाई ही नहीं दे रहा है और आगे रास्ता भी बंद है। सरदार, कहीं उस गांव वाले ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? मरने से हर कोई डरता है, उसने झूठ नहीं बोला होगा। तुम लोग एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ और देखो कोई और रास्ता मिलता है क्या। Thank you.
सरदार, मिल गया रास्ता। शायद ये रास्ता भानगढ़ के किले तक जाता है। चाचा, ओ चाचा। हाँ बेटा, बोलो। चाचा, हमें भानगढ़ के किले में जाना है, उसका रास्ता यही है क्या? भानगढ़? लेकिन तुम लोग इतनी रात को वहाँ क्यों जा रहे हो? हम किले में रखे खजाने को लूटने जा रहे हैं। क्या? फिर तो तुम लोग गलत करने जा रहे हो। लौट जाओ यहाँ से। तो तू हमें रोकेगा बुड्ढे? बुड्ढे, हमें रोकने की कोशिश मत कर, वरना तेरी बची कुछ जिंदगी हम छीन लेंगे। समझा कि नहीं? अब चल हट। मैं तुम लोगों को रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि समझा रहा हूँ। अबे बुड्ढे, बोला ना चल हट, ज्यादा समझा बुझा मत, चल हट रास्ते से। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो, जाओ। लगता है बुड्ढा डर गया। किला तो बहुत बड़ा है, लगता है अंदर खजाना भी बहुत मिलेगा हमें। चलो अंदर। सरदार, किला अंदर से भी बहुत बड़ा है, लेकिन खजाना कहाँ होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ भी होगा हमारी नजरें उसे ढूंढ ही लेगी। सरदार, उस कमरे से रोशनी बाहर आ रही है, लगता है वहाँ कुछ है। क्या बात है, दिल खुश हो गया इतना सारा खजाना देखकर। सचमुच इस भानगढ़ किले में इतना खजाना है कि हमारी हजार पुश्ते बैठकर खाएगी। आपने सही कहा सरदार। सरदार, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, सारा खजाना बोरी में भरते हैं और निकल चलते हैं। तुम सही कह रहे हो लाखा, जल्दी से सब कुछ बोरी में भर दो। तुम लोगों ने जो किया वो गलत किया, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही बुड्ढा है ना जिसने हमें रास्ता बताया था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, वापस रख दो सारा खजाना, वापस रख दो। सुन बे बुड्ढे, हम इतनी दूर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो खजाना लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम लोग इस किले से एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ। तू रोकेगा बुड्ढे हमें? तू है कौन? भानगढ़ का रक्षक। भान सिंह हूँ मैं। भानगढ़ का रक्षक? बहुत बकबक कर रहा है तू बुड्ढे, ले अब ऊपर जा। Ha ha ha!
भान सिंह के रहते भानगढ़ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ भानगढ़ का रक्षक।